हेलो दोस्तों, दिस इज द ब्यूटीफुल स्टेट अलास्का। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है और इस बेहतरीन राज्य जो कि पूरा बर्फीला है उसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुन के आप एकदम खुश हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं सफर पे। तो अमेरिका ने अलास्का को 1867 में 7.2 मिलियन डॉलर में रशिया के पास से खरीदा था। 7.2 मिलियन डॉलर में, यानी कि आज के इंडिया के सिर्फ 50 करोड़ रुपए में। अलास्का इतना बड़ा राज्य है कि उसमें आप 75 न्यू जर्सी राज्य जो है स्टेट है वो फिट कर सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप कैलिफोर्निया, टेक्सास और मोंटास राज्यों को एक साथ मिला दो तो उससे भी बड़ा होता है अलास्का। तो इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राज्य होने का खिताब मिलता है अलास्का को। अलास्का में एक एरिया है जिसका नाम है टल्किंटा। उसमें तकरीबन 1000 लोग रहते होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 15 साल तक इस एरिया की मेयर बनी रही एक बिल्ली। हाँ, एक बिल्ली है ना इंटरेस्टिंग। पिज्जा तो आप खाते ही होंगे और पिज्जा आप ऑर्डर करके घर पे होम डिलीवरी भी मंगवाते होंगे, लेकिन आपके घर पे जो होम डिलीवरी करने वाला बंदा आता है वो या तो बाइक में आएगा या शायद किसी कार में आए। लेकिन अलास्का में एक ऐसी पिज्जा की रेस्टोरेंट है जहाँ से आप अगर पिज्जा होम डिलीवरी के लिए मंगवाते हो तो वो लोग प्लेन से डिलीवर करते हैं, है ना जबरदस्त। अमेरिका का अलास्का राज्य भूकंप के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे 1967 में 9.2 की रिक्टर स्केल का बहुत बड़ा भूकंप आया था और उसके बाद फिर से 2018 में एक जबरदस्त भूकंप आया जो था 7 रिक्टर स्केल का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह भूकंप चला था पूरे 4.5 मिनट। यस, पूरे 4.5 मिनट। अलास्का में हर एक रेसिडेंट को सालाना एक बार एक ऑयल रॉयल्टी चेक मिलता है। ये एक प्रकार का एक डिविडेंड है। ऑयल कंपनीज को पूरे साल में जितना भी मुनाफा होता है वो सारे रेसिडेंट्स के बीच में सभी लोगों के बीच में शेयर कर देता है। दोस्तों पता है 2015 में कितनी रॉयल्टी मिली सबको? $2,069, यानी कि इंडिया के 1.25 लाख रुपए। ये मारी जुआना, राइट? सही तरीके से उसको मारुआना बोलते हैं। दोस्तों पता है, ये इंडिया में जैसे चरस गांजा होता है वैसे ही वहां पर ये ड्रग है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1975 से ये ड्रग अलास्का में पर्सनल यूज के लिए कंप्लीटली लीगल है। मस्त बर्फीला आपको पहाड़ दिख रहा है वो अलास्का का एक ज्वालामुखी है। दोस्तों 1974 में इस ज्वालामुखी से बहुत सारा काला धुआं निकलता हुआ देखा गया। एक कोस्ट गार्ड पायलट ने पास जाकर देखा तो वहां पे 70 टायर जलते हुए दिखे गए और किसी ने स्प्रे से वहां पे बड़े ही अक्षरों में अप्रैल फुल लिखा हुआ था। उसके बाद ये कांड करने वालों को पकड़ लिया गया और कांड करने वाले को पूछा तब उन्होंने बताया कि ये कांड करने के लिए पूरा सब कुछ प्लान करने के लिए उनको पूरे 4 साल लगे थे। हाँ, हो सकता है 4 साल तक भैया एक एक करके टायर ऊपर चढ़ा रहे होंगे, हो सकता है। अप्रैल फुल बनाने का ये आइडिया आपको पसंद आया तो इसी नाम पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या आपको चलने में थकान लगती है? दोस्तों लेकिन अलास्का पूरे दुनिया में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ऑफिस में जाने के लिए ज्यादातर लोग पैदल जाते हैं। 1931 में अलास्का से एक शिप यानी एक जहाज अपने आप ही कहीं पे गुम हो गया। बिना इंसान के जहाज तैरते हुए कहीं पे चला गया और गुम हो गया। उसके बाद 1969 में वो जहाज आर्कटिक में से पाया गया, है ना इंटरेस्टिंग। अलास्का के बारे में एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि यहाँ के 80% लोगों ने ऑर्गन डोनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है। न्यूयॉर्क में देखने जाए तो ये आंकड़ा सिर्फ 12%। पेश है होटल अरोरा आइस। दोस्तों अलास्का में ये अरोरा आइस होटल पूरी बर्फ से बनी हुई थी। बर्फ की जमीन, बर्फ की दीवारें, बर्फ की छत, बर्फ के बेड, यहाँ तक कि मार्टिनी ग्लास भी बर्फ का बना हुआ, सब कुछ बर्फ का। लेकिन अफसोस कि स्मोक और फायर डिटेक्टर न होने के कारण मार्शल फायर ने इसको बैन कर दिया और उसके बाद आज अरोरा आइस म्यूजियम के नाम से यहाँ पे जाना जाता है और ये म्यूजियम पूरी तरह फायर सेफ्टी के साथ आज भी चालू है। उम्मीद करता हूँ कि अलास्का के बारे में आपने बहुत कुछ नया जाना होगा, बहुत कुछ आपको पसंद भी आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले,
और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे बहुत सारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।